जा रहे हैं घास काटने के लिए, मैंने सोचा कि मैं भी जाती हूँ आप लोगों के साथ। पीछे देख रहे हो ना, ये गद्दा रेडी है। तो यहाँ पर जो है ना हम लोग पहुँचेंगे, पहुँचने के बाद जो है ना घास काटेंगे। घास काटने के बाद मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी कि पंजाब का कैसा माहौल है, कैसा नहीं है। मैं ख़ुद भी गद्दा रेडी चला के आप सबको दिखाऊँगी। अभी मैं चला रही हूँ गद्दा रेडी, और ये देखो ये पंजाब का जो है ना कमांद है, जिसको बोलते हैं गन्ना। कोई कमांद बोलता है, कोई गन्ना बोलता है। तो यहाँ पर जो है ना ये देखिए चारों तरफ जो है ना कमांद ही कमांद है, और यहाँ पर जो है ना हर कोई गद्दा रेडी चलाता है। सामने वाले भी गद्दा रेडी चला रहे हैं। यहाँ पर जो है ना मैं भी सीख रही हूँ, लोग देख रहे हैं कि गद्दा रेडी चलाने वाली टच मोबाइल उठाई हुई है। इधर गद्दा दिखाओ गालमू, गद्दे को ना मारे करो। कमांद कितना प्यारा है ये, अभी नहीं जो ना काट नहीं रहे कमांद को, जो है ना 10-15 दिन लगेंगे। ये सर्दियों में जो है ना काटा जाता है, और यहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा कमांद है। और हम लोग जो है ना यहाँ पर चावलों की जो है ना वो घास करने के लिए जा रहे हैं, ताकि वो जो है ना जानवरों को खिला सकें। तो हम लोग जो है ना ये गद्दा रेडी पे घास करने के लिए आए हैं। ये देखें अभी जो है ना इसको काट दी है, अब इसकी साटी होगी और मैं साटी भी आप लोगों को दिखाऊंगी। पंजाब में कोई भी फ़र्क नहीं है औरतों का, और मेरे हाथ में जो है ना ये देखें, और ये चावलों का फसल है, और इसको जो है ना काट रहे हैं, और इसके जो है ना ये दाने निकलेंगे, और ये यहाँ पर छोड़ के जाएंगे, और जो घास है वो लेके जाएंगे, क्योंकि ये जानवरों को खिलाने के लिए होता है। यहाँ पर पंजाब में सारी नहीं है, क्योंकि चावलों का फसल कम है। सो यहाँ पर जो है ना अक्सर ये पूरे जो है ना रेड़ी गद्दा रेड़ी भर भर के लेके जाते हैं। अभी इसको और कुछ चागड़े में चक्कर भर लेते हैं। अभी चक्कर भर लिए।
अभी मैं खा रही हूँ कमांद गन्ना, जो कि मौसम अभी चल रहा है, मैंने तोड़ा है।